चैनल में। तो अभी हम आए हुए थे यमाहा के शोरूम पे रिलायबल मोटर, जैसा कि हमने आपको भी थी कि वीडियो में बताया। बट अभी क्या हुआ, आपका फेवरेट MT15 का वीडियो बना रहे थे हम, जिसकी मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली थी। तो अभी हम आए हुए थे, बट ये लोग ने ऐसा कहा है कि गाड़ी भी थोड़ी देर में अवेलेबल होगी, क्योंकि अभी आई नहीं है। मतलब आई है एक दो गाड़ियाँ, बट वो मतलब वीडियोस में हम नहीं शूट कर सकते, कुछ इश्यूज है। तो तब तक हम कहाँ टाइम पास करें। तो हमारी नज़र के सीधा सामने, अब सामने देख सकते हैं, सामने आपको डीमार्ट दिख रहा होगा। तो सोचा करिए डीमार्ट में टाइम पास कर लेते हैं, और मुझे थोड़े कुछ स्टॉक खरीदने थे, तो हमने सोचा कि थोड़े स्टॉक भी खरीद लिए जाए। तो चलिए आपको डीमार्ट में जाके हम। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी डीमार्ट। तो आप देख सकते हैं डीमार्ट की ये पार्किंग है, काफ़ी खाली इस टाइम, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो अंदर मैं ट्राई करूँगा आपके लिए शूट करने के लिए, बट थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहेगा, इसलिए अंदर हम शूट नहीं करेंगे। तो मैं आपको डीमार्ट में जाके अपना सब काम पूरा करके बाहर मिलता हूँ आके। तो बस, तो कैसे दोस्तों आप सब, तो आ चुकी है हमारी MT15 BS6 2020 वर्जन। तो इसके अंदर ये जो कलर आप देख रहे होंगे, बहुत प्यारा लग रहा है ये कलर, और मेरा फेवरेट कलर है इस बाइक का। ये हमारे पास आइस फ्लोरो वर्मिलॉन कलर। तो इसे आप देख सकते हैं, अगर हम फ्रंट लुक से चालू करें इस गाड़ी का, तो आगे आपको ये पूरी टेबल टाइप लाइट देख सकते हैं। इसको ऑन करते हैं अगर हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LED DRLs दिए हुए, नीचे आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे नंबर प्लेट स्टैंड है, और जो इसको फिनिशिंग देने की ट्राई की गई है, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है गाड़ी को। यहाँ पे आपको ग्रेफाइट कार्बन का मडगार्ड मिल सकता है, और आगे का आप टायर देखेंगे तो आपको अंदर रेडियम फिनिश मिल जाती है, और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। R15 V3 से तो बहुत अलग है इसका डिस्क ब्रेक, क्योंकि इसमें सिंगल चैनल ABS है, डुअल चैनल नहीं है, तो वो आपको इसमें कमी देखने को मिलेगी। और इस गाड़ी का आप लुक अगर देखें, तो ये इंस्पायर हुआ है MT09 से, और MT09 जो कि इसका मतलब मेन डैडी वर्जन है, और वो 900 cc की अप्रॉक्स गाड़ी है, और ये 150 सेगमेंट में उसको एक अच्छा लुक देने की ट्राई की गई MT15 को। अगर आप साइड लुक की बात करें, तो यहाँ पे आपको फोकस वेंट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे इंजन कूलिंग के लिए, और यहाँ पे आपको यहाँ की ब्रांडिंग, इस साइड आपको MT15 की ब्रांडिंग मिल रही है। यहाँ पे पूरे इंजन को कवर करने की ट्राई की गई है इस पूरे फाइबर से। इंजन इसका 155 cc का ही इंजन है, सिंगल सिलेंडर, जो कि आपको V3 में देखने को मिलता है। सेम उसी इसको मतलब प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। और अगर आप थोड़ा पीछे आएँ हम, तो यहाँ पे सेम एग्जॉस्ट, स्टॉक एग्जॉस्ट जो V3 में आता है, वैसा एग्जॉस्ट दिया गया है, और आपको मडगार्ड का लुक भी सेम ही मिलेगा। और इसके अंदर जो स्विंग आर्म दिया गया है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी थोड़ी उसके लुक से पीछे बाहर लग रही होगी, तो वो आपको एक बॉक्स टाइप, जिसे हम बोलते हैं, वो टाइप का आपको स्विंग आर्म दिया गया है, जो कि बहुत ही मतलब एवरेज क्वालिटी का है। इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलना चाहिए था, लेकिन वो अभी मतलब इन लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया है। पीछे आप देखेंगे तो एक लंबा सा आपको ये नंबर प्लेट स्टैंड मिल जाता है, साथ में उसके इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, मुझे फ्री में मिलता है आपको वही, इसमें भी सेम दिया गया है। तो अगर हम आ जाते हैं पीछे की लुक की, तो यहाँ पे आपको एक LED टेल लाइट दी गई है, एकदम छोटी सी और प्यारी सी टेल लाइट आपको देखने को मिल रही होगी। तो सीट इसकी पीछे की, जो पिलन हमारा बैठेगा पीछे, उसको थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है सीट। और इसका जो कुशन है, मतलब मैंने इसको भी राइड तो ली नहीं, बट जो बैठने में कंफर्ट इसमें रहेगा, आई थिंक सो अराउंड 200 to 250 किलोमीटर की राइड में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट देगी ये सीट, क्योंकि इसका जो कुशन है इतना सॉफ्ट नहीं है। और यहाँ पे आपको दोनों साइड हैंडल बार्स दिए गए हैं आपकी मतलब कम्फर्ट के लिए। तो ये था उस पूरी गाड़ी का लुक। इसका टैंक 10 लीटर्स का आपको मिल जाता है इसके अंदर, और 10 लीटर्स का टैंक मिल रहा है आपको। अगर मैं गाड़ी को आपको गाड़ी का डिजिटल मीटर का ओवरव्यू दूं, तो आप इसको डिजिटल मीटर देखते हैं, काफ़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई की गई है। आपकी गाड़ी कौन सी गियर में वो बता देगा आपको। 1000 RPM की इसमें रोटेशन पर मिनट है, इसके अंदर आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। आप देखिए जैसे कि ये फुल एक हाई बड़ी, और ये पूरा एक रेव लेगा, आपको पूरा बता देगा। यहाँ पे इंडिकेटर है, तो ये सब इसमें आपको ट्रिप आपके दिखा देगा, टाइम भी इसमें शो करता है, आपकी फ्यूल आपका फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, ये सब आपको बता देता है। और अब बात करते हैं इसकी, सब अच्छी चीज़ों की बात तो हमने कर ली। अब यहाँ पे जहाँ पे यमाहा ने एक कॉस्ट कटिंग की है, वो है इसके हैंडल बार्स, जो ही काफ़ी एवरेज क्वालिटी की दी गई है इसमें। और ये जो बटन्स है, इनको ये थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते थे, जिससे गाड़ी का लुक जो है वो बना रहे, लेकिन कॉस्ट कटिंग करनी ही पड़ेगी भाई, अब इतने सब थोड़ी कर नहीं दे सकते ये लोग। इतनी पूरी गाड़ी के ओवरऑल स्पेक्स, तो अब इस गाड़ी के अंदर दो चीज़ की कमी मुझे लगी है, जो इसका सिंगल चैनल ABS दिया गया है, वो इसमें डुअल चैनल होना चाहिए सेफ्टी के मामले में, वो बेस्ट रहता। और इस गाड़ी का जो आप राइडिंग पोस्चर, जैसे कि मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, ये इस गाड़ी का राइडिंग पोस्चर है। आपको ट्रैफिक में तो काफ़ी कंफर्टेबल देखिए, पर हाईवे पे भी, पर थोड़ा आपको ऐसे मतलब ये झुकने पे वो करती, मतलब आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। तो ये था मुझे थोड़ा इसमें इशू। और जो पीछे पिलन बैठेगा आपका, उसको थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो सकती है, हाँ अगर आपके साइज़ का आदमी है, अगर सेम टू सेम तो बैठ सकता है, उसको कोई इशू नहीं आएगा इतना। तो ये था गाड़ी के स्पेक्स। और अगर आप यहाँ पे देखें, तो आपको इस टाइम पे अभी हर मॉडल में ये चीज़ हो रही है, आपको इंजन कट ऑफ स्विच मिलता है। अगर आपका स्टैंड नीचे है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये सब चीज़ें इसके अंदर है।
और अगर यहाँ पे आप देखें तो आजकल हर R15 की मतलब यामाहा की बाइक में ये चीज़ आ रही है, पास लाइट के साथ ये। और यहाँ पे एक अलग ही तिकड़म करने की ट्राई की गई है कि इंडिकेटर को नीचे दे दिया गया है और हॉर्न को ऊपर दे दिया गया। आपने इसका हॉर्न सुना अभी अभी, तो बस ये था इस पूरी गाड़ी का ओवरव्यू। आप टैंक देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है टैंक को। यहाँ पे आपको कुछ विनलिस देखने को मिल सकते हैं और इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो। इसको मैंने आपको बताया जैसे कि फ्लोरो वर्मिलन कलर बोलते हैं, जो कि नाइट में भी काफ़ी शाइन करता है। और इस गाड़ी को इसका जो एडिशन है इसके अंदर तीन कलर आपको देखने को मिलेंगे, मेटालिक ब्लैक, ये फ्लोरो वर्मिलन और मैट ब्लू कलर। तो मैट ब्लू कलर अभी यहाँ पे है नहीं, बाकी आपको शो कर देता एक ही कलर अवेलेबल क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा एंटिक कलर लगता है ये। तो बस यही था इस पूरी गाड़ी का ओवरव्यू। आपको कैसे लगी ये गाड़ी, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे किरण भाई और ये यहाँ के मैनेजर हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए। तो अब ये आपको बताएंगे कि शोरूम के बारे में थोड़ा सा। तो किरण भाई बताइए। जी, मेरे दोस्त कौशल यादव और इनका चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, पूरा शोरूम आपके लिए खुला है। मान लो कि आप सुबह में 9 बजे आ सकते हो और शाम तक 7 बजे तक खुला है हमारा शोरूम। अगर कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी के बारे में कुछ भी जानना है तो हमें मिलिए, हम आपके लिए ऑलवेज हेल्पफुल है। तो ये हमारे किरण भाई थे, थोड़े शर्मा रहे हैं ये, बट इन्होंने अच्छा बोला और बहुत हेल्पफुल आदमी है। इनका नेचर एकदम फ्रेंडली है, तो आप शोरूम को विजिट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा शोरूम है। और यहाँ पे जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वो कोई और शोरूम आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ की बाइक्स आप जानते ही हैं, जैसा मैं वीडियो में बताता हूँ, बहुत ही बेस्ट बाइक्स यहाँ प्रोवाइड करती है हमें। तो ये थी हमारी MT15। कैसा लगा आपको वीडियो, आप लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इनसे मिलना हो तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और शोरूम की लोकेशन भी डाल दूंगा, तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।